तो फ्रेंड्स ये है दार्जिलिंग का चौक बाजार और ये देखिए घंटाघर चौक दिख रही है ऊपर में। अभी थोड़ा काम चल रहा है, आई थिंक मेंटेनेंस चल रहा है। एंड ये सब ये ब्रिटिश एरा की बिल्डिंग है, देखने में लग रहा है नहीं। फ्रेंड्स इसको यीगा चोलिंग मोनेस्ट्री भी कहा जाता है। ये फ्रेंड्स ये है नेपाल का बस स्टैंड, नेपाल नहीं दार्जिलिंग का बस स्टैंड। ऑटो खोलियो, कितना बड़ा है अनुभव। ये नेपाल का मार्केट, वो दार्जिलिंग का मार्केट। मेरे मुझे नेपाल क्यों निकल, दार्जिलिंग का मार्केट। बेकरी शॉप न्यू वालिस बेकरी चौक बाजार। तो फ्रेंड्स ये है दार्जिलिंग का चौक बाजार और ये देखिए घंटाघर चौक दिख रही है ऊपर में। अभी थोड़ा काम चल रहा है, आई थिंक मेंटेनेंस चल रहा है। इट इज कॉल्ड द चौक बाजार, एक्सट्रीम रश मार्केट में द चौक बाजार। एंड ये सब ये ब्रिटिश एरा की बिल्डिंग है, देखने में लग रहा है नहीं। चौक बाजार फ्रेंड, दैट इज आवर होटल एंड दैट इज आवर रूम। वहां से ये मार्केट पूरा दिखाई देता है। हाँ देखिए बहुत क्राउडेड रश है। आप सोला वेरी फेमस टूरिस्ट प्लेस दार्जिलिंग, रश तो हो गई है, रश तो होना तो बनता है भाई। तभी तो ये कह रहे थे कि हमारे होटल से यहाँ की दूरी हाटी 2 मिनट है। हाँ तो दिखाई देती है, हम रोज देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये देखिए दार्जिलिंग का मार्केट, जो कि टूरिस्ट के लिए नहीं है, यहाँ के लोकल जो हैं उनके लिए है। A few moments later. तो फ्रेंड्स हम लोग अब आए हैं घूम मोनेस्ट्री और ये मेरा मोनेस्ट्री में हम लोगों का सेकंड टाइम है। इससे पहले हम लोग संकिसा गए थे मोनेस्ट्री यूपी में, अब हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो चलिए भगवान के दर्शन करते हैं, चलिए और आपको भी दिखाते हैं, आपको भी दर्शन करवाते हैं। किनी सो गई है और चलिए फ्रेंड्स आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अभी देखिएगा देखिएगा दिखाता हूँ आपको, देखिएगा दूर 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 रहिए। वो देखिए मिनी, देख देख मिनी, देख मिनी, देख ट्रेन, देख ट्रेन, देख ट्रेन, देख ट्रेन। वाह ये दार्जिलिंग, वाह ये देखिए फ्रेंड्स ये। हाँ चलिए, हाँ कैसा लगा? ये बहुत सुंदर है, स्टीम इंजन था, स्टीम इंजन था। हाँ। और मैंने देख के ही आपको बता दिया कि देखो पाऊ ट्रेन आ रही है, इसको हॉर्न सुन के। चलिए चलिए आइए। हाँ चलिए। अच्छा तो ये मोनेस्ट्री हम लोग आ गए। ये फ्रेंड्स ये देखिए, ये है डंगोन सैमतेन चोलिंग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, इसको घूम मोनेस्ट्री भी कहते हैं। देखिए
चलिए दिखाते हैं आपको। ये देखिए रोड का 360 व्यू, ये घूम है। चलिए नींद में है एक्चुअली, भी नहीं अभी सोई है ना, तो अभी बहुत तेज नींद में है तो इसलिए नहीं उठ रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से दिखाती हूँ, बहुत ही बेहतरीन मौसम हो रहा है, बहुत ही अच्छा। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है अभी, अम्मा हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग आ गए हैं घूम मोनेस्ट्री, जो कि दार्जिलिंग की कुछ सबसे प्राचीन मोनेस्ट्री में से एक है। फ्रेंड्स, इसको यीगा चोलिंग मोनेस्ट्री भी कहा जाता है और ये लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। फ्रेंड्स, ये मोनेस्ट्री जो है वो 1850 में मंगोलियन एस्ट्रोलॉजर और मॉन्क थे लामा शेराब ग्यासो, उन्होंने बनवाई थी। और ये दार्जिलिंग और उस एरिया की 3 फेमस मोनेस्ट्री में से एक है। फ्रेंड्स, इस मोनेस्ट्री में मैत्रेय बुद्धा की लगभग 15 फीट ऊंची मूर्ति है। जय हो प्रभु। तो फ्रेंड्स, ये है घूम मोनेस्ट्री, आप देख ही रहे हैं सामने, हमने भी भगवान के दर्शन किए, भगवान बुद्ध के। और ये मोनेस्ट्री जो है वो 111 साल पुरानी मोनेस्ट्री है। और यहाँ पर दार्जिलिंग के जो एरिया में सबसे बड़ी जो भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है, जो स्टैचू है, वो सबसे बड़ी है इस एरिया में। और यहाँ इस पूरे परिसर में आपको दिखाते हैं,
देखिए बैक साइड से, इस पूरे परिसर में लगभग 35 मॉन्क्स हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, इस परिसर में, इस मोनेस्ट्री में लगभग 35 मॉन्क्स रहते हैं जो कि यहाँ पर बुद्धिज्म की शिक्षा लेते हैं और इसी के साथ साथ उनको अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मोनेस्ट्री का एक बहुत ही सुंदर सा व्यू, और मौसम तो बहुत ही अच्छा हो रहा है, ठंड काफ़ी हो रही है और बादल भी नीचे आ रहे हैं। देखिए, दिखाते हैं आपको, उससे पहले आप मोनेस्ट्री देखिए और ये देखिए सुहावना मौसम, और बादल आपको दिख ही रहे होंगे, ठंड बढ़ गई थी इस टाइम। एक मॉन्क से बात हुई थी और उन्होंने हमें सब अच्छे से बताया, लेकिन वो कैमरे पर आने में थोड़ा सा झिझक रहे थे। चलिए फ्रेंड्स, जय भगवान बुद्ध, जय भगवान बुद्ध, जय भगवान। चलिए चलते हैं आगे। बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। ओके, यू लव स्टेयर्स। हाँ, आई टू लव स्टेयर्स। चलो चलो चलो। No, I love stairs. चलो चलो चलो। चलो। सही किया, मुझे जगा दी, थैंक यू। वेलकम। चलिए तो फ्रेंड, ये देखिए, ये है घूम मोनेस्ट्री का परिसर। I love stairs. चलो चलो चलो। I love stairs. हाँ ठीक है, जल्दी चलो। So friends, मोनेस्ट्री देखा, हम लोग आ गए हैं, भगवान जी के दर्शन भी कर लिए, अब जा रहे हैं हम बतासिया लूप। यहाँ पर एक सर्कल टाइप में है जहाँ से टॉय ट्रेन ना एक राउंड मारकर गुजरती है, लेकिन वो वहाँ पर थोड़ी देर रुकती है ना। हाँ, ऐसे ही है, चलते हैं। और मौसम वेदर बहुत अच्छा हो गया, ठंड हो गई है, ये देखिए, और बादल तो नीचे आ गए, अब तो कुछ दिखाई नहीं दे रही, वैली भी दिखाई दे रही है, वाइट दिखाई दे रही है। हाँ देखिए, ये बताइए कैसा लगा आपको दर्शन करके? बहुत शांति मिली अंदर, सच में बहुत ही पीसफुल था टेम्पल, बहुत ही मम्मी बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। चलिए चलते हैं। मम्मी भी चढ़ते में थोड़ा थक जाती हैं, सांस फूल जाती है उनकी। चलिए, ट्रेन ट्रेन ट्रैक ट्रेन ट्रैक चलो समझ समझ। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कल चलेंगे ना हम लोग, बैठेंगे संभल के। तो ये थी घूम मोनेस्ट्री जो आपने अभी देखी, बहुत ही सुंदर। तो अब हम लोग जा रहे हैं बतासिया लूप, जो कि आपको दिखाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। फ्रेंड्स, दार्जिलिंग की खूबसूरती की तो बात ही निराली है, तो आपको उसको फील करना है तो यहाँ पर एक बार तो आना होगा। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया है तो पता है आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, प्यारा सा कमेंट करना है और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।